नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। उसूलों पे जहां आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। पर यूपी में विपक्ष की सूरत ऐसी है कि खोजना पड़ता है मुद्दों पर विपक्ष है कहां। कहां है सपा का जमीनी संघर्ष, कहां है माया के तीखे हमले में सोशल इंजीनियरिंग, कहां है जनता में कांग्रेस के लिए भरोसा करने वाली मेहनत और कहां है जनता के मुद्दों पर सियासी पार्टियों की बुलंद आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं और बड़े स्तर पर बीजेपी ने सदस्यता अभियान भी चलाया है, लेकिन विपक्ष की कहीं कोई खबर नहीं मिल रही है। आखिर कैसे विपक्ष बीजेपी से बाय इलेक्शन में मुकाबला करेगा, आज अखाड़ा में बहस इसी बात पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अखाड़ा की। सबसे पहले तारुफ करवा दूं गेस्ट जो हमारे साथ हैं, संजीव मिश्रा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, फरहत रईस खान साहब पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल साहब प्रवक्ता आरएलडी, ब्रजा रुजवी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार और मनोज पांडे साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अखाड़ा में आने के लिए। सबसे पहले संजीव मिश्रा जी, जो उपचुनाव है उसके लिए आप लोगों की तैयारी जबरदस्त है, आखिर किन मुद्दों को लेकर, किन चीजों को लेकर इस बार आप लोग पहुंचेंगे और ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग जीत के बाद भी रुके नहीं है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदरणीय योगी जी की सरकार ने विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, उस आधार पर उपचुनाव में हम अभी से जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के आधार पर, और जिस तरीके से देश में अगर देखा जाए तो 370 और 35A को हटाने के बाद जो माहौल एक बना है, पूरे देश का आज नागरिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, और इसीलिए सदस्यता अभियान को भी बढ़ाया गया कि जो जिन लोगों की इच्छा है कि वो सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के स्तर की बड़ी पार्टी के, तो उन लोगों के लिए भी समय दिया गया। और आपके बड़े चैनल पे मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि उपचुनाव हो चाहे विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है वो भी 4-6 महीने है उसमें अभी, वो भी 100% आप लोगों की तैयारी बिल्कुल है और वो कहीं ना कहीं दिख भी रही है। चलिए आपसे भी आगे आएंगे आपके पास। फरहत रईस साहब पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। कितने तैयार हैं आप लोग, या फिर ये मान लिया जाए कि उपचुनाव आप लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता, इतना ज्यादा घबरा गए हैं आप लोग? देखिए निश्चित तौर पर घबराहट वाली कोई बात हमारे अंदर नहीं है, लेकिन एक बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड पर रहती है। ये मीटिंगें अगर अपराध कम करने के लिए होती तो बहुत अच्छा होता, बेरोजगारी कम हो जाती तो उससे भी बेहतर होता, देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालात है उसके लिए मीटिंग होती तो अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य है चुनाव लड़ना। देखिए हमारी मीटिंग कैसे नहीं चल रही, हमने अभी धरना दिया सरकार के खिलाफ विपक्ष में, आपको पता, आपको लगता है जानकारी नहीं है, बिल्कुल आपको जानकारी लेकिन निश्चित तौर पर 8 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया सरकार। अब देख लीजिए अपराध क्या कितना बड़ा हुआ, अभी आपने सबसे पहला सेंटेंस क्या इस्तेमाल किया इलाहाबाद में, देखिए इसके लिए कुछ हो समझ में आता है? अब तो 303 का मैंडेट है, प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उपचुनाव क्या बहुत बड़ी चीज है, एमएलसी चुनाव कौन सी चीज है, लेकिन जो जनता ने इनको मैंडेट दिया है उस पे तो खरे उतरें, उस पे तो काम करें। और कौन सी ऐसी योजना है जो पिछले 2.5 साल में पिछली सरकार के कंटिन्यू छोड़ करके जो इन्होंने खुद नई चालू करी? अच्छा ठीक है, इसका जवाब जरूर लेंगे। रोहित अग्रवाल साहब कितना तैयार है आप लोग, या फिर आप लोगों की भी यही राय है कि जो मैंडेट दिया उसके हिसाब से काम नहीं करिए, लेकिन पूरा फुल मोड में है ये लोग, तो आप लोगों का तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा सर? देखिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। आज भी हमारी दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई है पार्टी की, जिसके अंदर हमने मेंबरशिप ड्राइव के लिए आगे हमने चीज़ों को बढ़ाया है। 31 अगस्त को हमारी लखनऊ में भी मेंबरशिप ड्राइव होने जा रही है, जिसके अंदर माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलना चाहते, हम कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी आज कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख लीजिए, आज प्रयागराज के अंदर 6-6 मौतें हो जाती हैं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया।
तो आप लोग घेरने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कभी कहां आ रही आप लोग? हमें घेरने की जरूरत नहीं है, हम निरंतर जनता के साथ खड़े हैं, जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। जिस तरीके से किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है, बिल्कुल नजर आया और जो समझ में आया जनता को कि आप लोग खड़े हैं, बिल्कुल गुमनाम से हुए जा रहे हैं। सर आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? देखिए, ये आपको शायद लग रहा होगा कि कोई गुमनाम सा हुआ जा रहा है, वो हमेशा होता है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहीं ना कहीं उस घमंड की शिकार हो जाती है कि उसको कुछ और दिखता ही नहीं है, कहीं और दिखता ही नहीं। हम जनता की सेवा करने के लिए है, हम जनता की सेवा करने के लिए है, जनता के मुद्दे उठाने के लिए है, जो कि निरंतर हम उठा रहे हैं, जनता की सेवा हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश को जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त की है, उसके ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी को चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का काम यही है कि सरकार को यह बताए कि आप कहां कहां पे चुप कर रहे हैं, कहां कहां पे जनता आहत है, और वहां पे उसको सही कराने का काम विपक्ष का है। सोनभद्र जैसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है सर, वहां पे तो आप समझ में नहीं आता आप लोगों का क्या जनप्रतिनिधि। सोनभद्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं गए थे, हमारा कोई प्रतिनिधिमंडल खाली सिंपल प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां पे गए थे। क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर उठेंगे, किसको लेकर चलने वाले हैं? हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। एक तो जो कानून व्यवस्था है, जो यूपी के अंदर अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बिल्कुल कहते हैं हम काम कर रहे, तुरंत सस्पेंड होता है, तो ये बताइए समाजवादी, अभी आपने सस्पेंड करा, एक बताइए अभी पूरे प्रदेश में कोई प्रवक्ता बता रहे थे आपके चैनल पे कि 370 के ऊपर वोट मांगेंगे वो, ठीक है ना? अभी क्योंकि अभी यूपी के जो उपचुनाव है उसके अंदर कश्मीर में जो 370 हटाई है और 35A आया गया है, उसके ऊपर वोट मांगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो यूपी के अंदर जो काम किया उसके ऊपर वोट मांग लो ना भैया। तो आप लोगों ने भी तो कश्मीर जाने की क्या जरूरत है? दिया है ना, इसीलिए दिया होगा, कहीं ना कहीं हमारा समर्थन भी समझ में आ रहा है, भाई हम भी जनता के साथ हैं, कहीं ना कहीं वो मैसेज भी तो जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जल रहा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से खाली इन्वेस्टर मीट का ढोंग किया जा रहा है, जनता सब समझ रही है। अच्छा। जनता कोई हमारी बेवकूफ नहीं है, जनता नादान नहीं है, जनता सब समझ रही है, उपचुनाव में जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए उपचुनाव में जो, इससे भैया आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि जनता जवाब देगी और जनता देख रही है, लेकिन जनता ने कुछ अलग ही दिखाया आप लोगों को। मनोज पांडे साहब, कौन कितना पानी में है? बीजेपी जीतने के बाद भी पूरा मैंडेट आती है, बहुमत के साथ आती है, बावजूद उनके मीटिंग्स का दौर नहीं थमता, बावजूद उनके सदस्यता अभियान नहीं थमते, बावजूद हर कुछ हो रहा है, बाकी पार्टियां बिल्कुल शांत हैं। मनोज पांडे साहब, रजा रिजवी साहब, अच्छा मनोज पांडे साहब भी हमें जल्द ज्वाइन करेंगे। रजा रिजवी साहब, सर इस तमाम चीजों में यह तो तय है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बिल्कुल फुल फॉर्म में है और विपक्ष की कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आ रही, और उपचुनाव भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखिए, आरएलडी के हमारे साथी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था बड़े प्यार से, ये आरएलडी जो है ये जमीनी हकीकत बहुत काम नहीं करती। इसका अपना जो स्टाइल है वो स्टाइल ये है, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ मिल के केंद्र में मंत्री बन जाना, ये अपना काम रहता है। और आम जनता के लिए कहा जाता है किसानों की पार्टी है, मंत्री बनने वाली बात मत करिए, आप खुद कहा जाता है मलाई चाट रहे हैं किसानों ने, ये गलत है, कहीं सरकारी मलाई की बात है, गन्ना किसानों के लिए जितना हमने संघर्ष किया शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। रजा रिजवी जी, रजा रिजवी जी, अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं आपको बता दूं, किसानों के हित के लिए हमारी पार्टी ने जो काम किया है वो शायद ही किसी पार्टी ने काम किया हो। जनता ने जवाब दे दिया, पार्टी हम किसी समुदाय की राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी समुदाय की राजनीति नहीं करते हैं। मेहनत किया था उसका, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को हमने बढ़ाने का काम किया है, माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्ष आपको दिखेगा। हम बिल्कुल आपको ये बता दें, इस तरीके के गलत बयानबाजी हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इस तरीके की, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय जयंत चौधरी जी जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, आलू किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा घेरने का काम किया था। रोहित जी सुनिए सर,
कंटिन्यूअसली ऐसे बोलिएगा तो चीजें जो है जनता के बीच में नहीं जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार हो क्या अगर इस तरीके की जनता के सामने प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है ये गलत है। बीजेपी ने मुझसे हमसे मिली थी, बीजेपी हमसे मिली थी, बीजेपी हमसे तड़प रही थी मिलने के लिए दोबारा। आप ये भी तो सच बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम मिले, भारतीय जनता पार्टी हमसे मिलने आई। सुनिए सर एक सेकंड, रोय जी जो जनता जो है ना वो कभी भी अपने हिसाब से अपने मन मत ही जनता का बिल्कुल क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, जनता को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये मत बोलिए कि जनता को बरगलाया जा रहा है, जनता सब समझती है सर, इतना आप समझ लीजिए। रजा लीजिए साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ संजीव जी के पास। देखिए ये सही है कि भाई जो चुनाव हो रहा है 2019 का जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद जो 12 सीट खाली हुई यहाँ और एक सीट जो है वो चंदेल साहब को सजा हुई है उससे वो खाली हुई है, तो जाहिर सी बात है 13 चुनाव जैसे ही 2019 का चुनाव हुआ। अब मैं अगर कोई बात कहूंगा तो मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है आईना दिखाना। अब वो आईना जैसा काला हो सफेद हो गोरा दिखेगा वही वो बता रहा हूं। अब उसमें लोग नाराज हो रहे हैं, नाक टेढ़ी क्यों है, कान टेढ़ा क्यों है, तो भाई नाराज हुआ करें। कहने का मकसद है भारतीय जनता पार्टी ने बोल 2019 बोलूंगा जब वो मैं आईना दिखाइए, आईना दिखाइए, आज जो हत्या हुई है चुनाव पर है, आज जो चुनाव की जंग है, जब अगर उसका भी होगा तो उसको भी बोल दूंगा। क्या वो चुनाव से रिलेटेड नहीं है, क्या वो जनता से रिलेटेड नहीं है, सडन होंगी जरा सा आप उसके ऊपर भी बोलिए। सडन क्राइम को कोई नहीं रोक सकता, सडन क्राइम ये सडन क्राइम है, जनता उत्तर प्रदेश के अंदर 7 हत्याएं हो जा रही है, आप सडन क्राइम में। अरे इससे उसके बाद आप कह रहे हैं निष्पक्ष हूं, उससे पहले क्या यही निष्पक्षता है, पहले सभा सरकार में क्या हुआ था, कौन से एसपी एक एसपी मारा गया था, क्या एसपी यहां तो जब क्राइम अगर अब क्राइम की बात है हम तो उस पर बोलना है हमको। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, भाजपा ज्वाइन करके बोलिए, ये आप मुझे भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये बता रहे हैं कि सपा में ये क्राइम हुआ था और आज आज उत्तर प्रदेश में क्राइम हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आज आज उत्तर प्रदेश के अंदर 7 हत्याएं हो जाती है उसका कोई मतलब नहीं बनता आपको। ठीक है सर आप लोग जब आपको आज प्रयागराज में 7 हत्याएं दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की वोट भी मांग लीजिए, टाइम मत खराब कीजिए सर ऐसे करके। आज अगर जो है उस पर कानून व्यवस्था पे रोहित जी रजा रिजवी साहब एक सेकंड सर रजा रिजवी साहब आप रोहित जी प्लीज ये मत बताइए ना कि किसको कौन सा क्या ज्वाइन करना, आपने जहां आप है आप उस पर काम कीजिए ना, आप अपनी जमीनी तैयारी पे काम कीजिए ना। आप लोग एसी के कमरे में बैठ के ट्वीट कर देते हैं कानून व्यवस्था खराब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, जनता के बीच में पहुंचिए तो सही सर। आप दूसरों पे सवाल मत उठाइए, एक मिनट वापस आऊंगी आपके बिल्कुल ठीक है, अगर जनता के बीच में होते सर तो आज ये हालत नहीं होती। प्लीज ये मत आप दलील दीजिए, जनता सब समझती है, इतना तो सर माइंड में एकदम क्लियर रखे ये चीज। संजीव मिश्रा जी देखिए ये तो तय है सर कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है, प्रयागराज में हत्याएं हो रही हैं। आप लोग सर क्या कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि सब सही चल रहा है, ऑल इज वेल है, एक दो लोगों को आप इधर सुधर तबादले वगैरह कर देते हैं इसी से सुधरेगा, जनता सब देख रही है। नहीं देखिए अगर पूरी बात समझ में आएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। देखिए हमारी जो सरकार है 2.5 साल में जिस तरीके से संगठित अपराध नहीं हो रहे, आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही, ये एक बड़ा बड़ी मिसाल है उत्तर प्रदेश के लिए। और जिनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, जरा आप रुकिए भाई, थोड़ा सा रुक जाइए, संयम रखिए। मैं मानता हूँ इतना विपक्ष इतना डिप्रेशन में आज की तारीख में है, मैंने नहीं देखा कभी विपक्ष इतना डिप्रेशन में हो, उनको मालूम ही नहीं चल रहा कि वो निर्णय क्या लेना है, किस मुद्दे पर कौन सा निर्णय लेना है, विपक्ष को यह नहीं पता। प्रधानमंत्री जी जब बुलाते हैं बैठक तो यही विपक्ष के लोग जाना नहीं पसंद करते, आम राय आपने नई योजनाएं क्या शुरू की है, ये सवाल था इनका फरत रईस साहब का कि 2.5 साल में आपने अपनी नई योजनाएं जो यूपी के लिए है वो क्या शुरू की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक एक्सप्रेस वे बनाई थी लोगों ने जिसमें आज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम 3 एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं। सुन लो लगता है सुनो, आप एक रिंग रोड नहीं बना पाए 5 साल में, आउटर रिंग रोड किसान पथ नहीं बना पाए, लेट हिम कंप्लीट फिर आ पाइएगा प्लीज। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको जनता ने आपके झूठ को सही कर दिया था और आप तब भी नहीं समझ रहे, जमानतें जब्त हो गई आपकी, फिर भी आज आज की तारीख में बड़े चैनल पे आप बहस उस तरीके की कर रहे हैं जिस तरीके में लोग अपना चैनल चैनल बदल देते हैं अपराध के नाम पे, आपका झूठ पकड़ा जनता ने और आपको जवाब दिया, सिर्फ झूठ बोलते हैं, आपको जवाब दिया कोई योजना, आप चलिए बताइए, आप एक चीज बताइए, जनता ने आपको नकारा, आपको जनता ने आप वो विधायक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको नकारा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको नकारा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको नकारा, आप क्या बात करेंगे, जनता ने नकारा,
सुप्रीम कोर्ट दिन में फैसला करती है 45 दिन में आने होने जा रहा है। आप है कहाँ, न घर के न घाट के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में जीत आपको लेके आई ना, जी चुनाव पार्लियामेंट का जीत नहीं पाए, आप बहस कर चुनाव इतना भाई अपनी योजनाओं इंटरप्ट मत कीजिए उनको, अपनी योजना तो बुंदेलखंड शुरू हो रहा, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू किया, पानी की समस्या खत्म हुई बुंदेलखंड में, आज पानी की जितनी बढ़िया इस समय फैसिलिटी है और हो रही है, जहां कुएं साफ हुए वहीं तालाबों को भी हमने साफ करने का काम किया, और जिस तरीके जमीन पे भी है, किसी योगी पेपर पे योगी नहीं पेपर पे नहीं जमीन पे है। आज इसीलिए विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष अगर हमने वो काम नहीं किए होते तो बुंदेलखंड की समस्या को लेकर आंदोलनरत होता, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये केवल चैनल पे बोलना जानते हैं। अच्छा। इन्होंने इनको ये केवल कागजी काम कर रहे हैं, इनसे ना जनता कनेक्टिविटी है ना इनके साथ जनता है। कोई कहेगा हमने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, धरना प्रदर्शन, अरे हजरागंज चौराहे पे 100 लोगों को नहीं खड़ा कर पाए, वो लोग हमसे क्या बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अब इससे डिसाइड होगा कि कितने लोगों को खड़ा कर पाए हैं, उससे डिसाइड होगा जनता ही टीम का जो चल रहा है। टीम का जनता ही नहीं, मनोज ये क्लियर हो गया, ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत स्वागत सर, टीम का लगाओ या चाहे किसी चीज का लगाओ, ठीक है, देखिए जनता नहीं रहा था आपको, ये जनता ने आपको नकारा है और जनता आपको आगे भी नकारा, जनता ने नकारा इसलिए तो आप सत्ता में, अब आप इस बार इसीलिए हम बेहतर काम कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, विकास साथ वहां मर गए, हम बेहतर काम कर रहे हैं, पहले पुलिस खुद काउंटर कर रही थी, अब अपने आप करने लगी, नहीं पहले पुलिस खुद काउंटर कर रही थी, अब अपने आप का करने लगी, काउंटर भी करेंगे इनका, अपना करने लगी भाई, आपको पता नहीं क्या, अपना काउंटर करिए, हालत ये हो गई कि आज उस तरीके के संगठित अपराध नहीं हो रहे, आज माफियागिरी नहीं हो रही यहाँ पे। अरे सर अब आप देखिए यही दिक्कत है, संगठित अपराध नहीं हो रहे, माफियागिरी नहीं हो रही, चीजें हो तो रही है, लोगों की जान जा तो रही है, उसको तो रोकिए ना सर, पैमाना मत डिसाइड कीजिए ना, आपसी अगर रंजिश है ये लीजिए, आपसी रंजिश हो जाती है, घर में घुस के गोलियां दागी जाती है, आपसी रंजिश हो जाती है, पत्रकार की हत्या हो गई, पत्रकार की हत्या हो गई, आपसी रंजिश थी क्या, सोनभद्र में हत्या हुई आपसी रंजिश थी क्या, वो पुरानी सरकारों की देन थी, फिर आज की नहीं थी, सरकार में और उसके बाद हमने उसको वर्कआउट करने का काम किया, हमने उसको वर्कआउट करने का काम किया, इल्जाम दीजिए मत सर, जो अधिकारी पहले के भी अधिकारी जो थे, संजीव जी जनता लेकर आपको आई है ना चीजों को सही करने की, आप दूसरी सरकारों पे इल्जाम मत लगाइए, इन चीजों से बाहर निकलिए, जिन राजनीतिक दलों ने अपनी सरकार संजीव जी की सारी जमीन अपने नाम पे, जनता बहुमत के साथ आपको बहुत विश्वास के साथ लेकर आई है, हम सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज, जनता विश्वास के साथ लेकर आई, अब इन चीज से बाहर निकलिए, पिछली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या, अरे वो लोग सही करने आएंगे, जो करके गए वो तो करके गए, आप लोग सही कटघरे में खड़ा करना उनका जरूरी है, और अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। मुझे मनोज पांडे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए बीजेपी के अपने तर्क अपनी दलील, हालांकि उपचुनाव के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है, जितना बीजेपी नजर आ रही उतना तो खैर कोई पार्टी और नजर नहीं आ रही, क्या लग रहा है उपचुनाव में भी हार मान के बैठ गए क्या विपक्ष? देखिए अब ये कहना तो बड़ा ठीक नहीं रहेगा कि उपचुनाव में हार मान के विपक्ष बैठ गया है, लेकिन ये बात तैयारी कुछ दिख नहीं है ना, तैयारी नहीं दिख रही है, बिल्कुल शून्य लग रहा है। कुछ कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाओं की है, इनको जैसे मुद्दे हैं, मुद्दे हमेशा रहेंगे और मुद्दों पर संघर्ष भी होना चाहिए था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पार्लियामेंट की हार के बाद से विपक्ष जो सपा और बसपा का गठबंधन था वो टूट गया, शायद सपा बसपा के गठबंधन के टूट जाने से जो रिक्तता आई है अभी ये दोनों दल सोच नहीं पा रहे हैं। तीसरा समाजवादी पार्टी में अभी इस बात का ही मंथन चल रहा है, हमें लगता है कि हमें किस तरह जाना है कि नहीं जाना है, और लड़ना है तो किस तरीके से लड़ना है, और अब तक बसपा कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, तो बसपा अगर उपचुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से जो वोटों का बंटवारा होगा उसका लाभ भी कहीं तीसरे को मिलेगा, ये तय मान के चलिए। ठीक है साहब, चलिए रोहित जी देखिए जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, उसमें सपा बसपा और आप लोग बिल्कुल साथ साथ थे, सही तरीके से आए, लेकिन फिर भी चीजें आप लोगों के हिसाब से हो नहीं पाई। आप लोग उपचुनाव में अखिलेश जी के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो एसी के कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, एक विरोध उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले किया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था, एक ट्वीट तक अखिलेश यादव का नहीं आया कि हम लोग इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा रहा प्रदर्शन, कुछ भी जीरो।
खुशबू जी, मुझे लगता है पिछले हफ्ते तक सदन चल रहा था और सदन में अखिलेश यादव जी के ऊपर डिबेट भी आपके चैनल ने ही की थी, तो अगर वो इसी कमरे से बाहर नहीं निकले तो सदन तक वो मतलब कैसे गए ये मतलब मुझे नहीं पता। तो अच्छा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की टिप्पणी करना कि खाली एसी कमरे में बैठ के अगर काम हो रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी खाली एसी कमरों में ही काम कर रही है। हल्ला बोल बुलाया था सपा ने, लेकिन उसमें अखिलेश यादव का कुछ सामने दिखे ही नहीं। अखिलेश यादव उस हल्ला बोल हर चीज में, हर चीज में देखिए, ये सपा के प्रवक्ता ज्यादा बेटर बता सकते आप लोग सर, एक लेकिन हम उनके साथ हैं तो हम ये बता दें, हर चीज में राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक्टिविटी दिखे आपको ऐसा नहीं। उन्नाव कांड पे इतना इतनी बड़ी चीज हो जाती है, आप लोग उनके लिए अखिलेश यादव जो है वो सड़क पे नहीं आ सके, लेकिन जब सवाल आजम खान पे आया तो वही पूरे शहर में डिंडोरा पिटवा दिया। मुझे लगता है खुशबू जी, मुझे लगता है शायद आप अपडेटेड नहीं है। नहीं नहीं खुशबू जी, आप अपडेटेड नहीं है। उन्नाव कांड पे अखिलेश यादव जी पीड़िता से मिलने गए थे और पीड़िता और उनकी आवाज उठाने के बाद ही, जब अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है। भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है। मैं बिल्कुल अपडेटेड हूं, चीजों को उठाना चाहिए। आपने कहा जैसा मामला हुआ, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव जी दोनों पीड़िता के परिवार से मिले, पीड़िता को सहायता तक दी उन्होंने। अच्छा। जो किसी से छुपा नहीं है, जो ये टीवी चैनल के ऊपर दिखाया था, तो फिर आप किस किस चीज की बात कर रहे हैं? आप प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आप आजम खान के लिए लंबे लंबे पोस्टर बैनर करके पूरा हल्ला बोल कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने इसी जीपीओ पे जो आपके स्टूडियो से 4 किलोमीटर दूर है, इसी जीपीओ पे धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा था गवर्नर को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो लिया है। ठीक है, अपने आप को आप वो क्रेडिट दे दीजिए, कोई बात नहीं। रजा रिजवी साहब जी कहे सर, देखिए मैं ये यही कह रहा था कि रामपुर के अंदर जब कहा गया था, अखिलेश ने कहा कि साहब रामपुर में समाजवादी पार्टी के लोग जो है प्रदर्शन करेंगे, आसपास के जिले के लोग आ जाओ। 25-50 लोग गए थे। अपना पर्सनल मामला होगा, पार्टी के किसी कैंडिडेट का मामला होगा, जो पार्टी का पदाधिकारी होगा तो उसके लिए सब लोग चले जाओ। अरे भाई, पार्टी में आप है समाजवादी पार्टी, आम जनता के लिए आप कितना आ रहे हैं ये आम जनता देखती है। और वोटर जो है तभी आपके साथ जुड़ता है जब उसके के लिए आप सड़क पे उतरेंगे और उसकी जायज मांगों के लड़ाई लड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा मिश्र जी कि एसी में बैठे, तो अगर लोकसभा में गए तो लोकसभा में एसी नहीं था क्या? कि वो आम सड़क था वहां, अगर लोकसभा में वो बिजी थे, आना चाहिए। अगर सड़क पर जो पार्टियां नहीं आएंगी वो पार्टियां धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी। अब आम जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। चौपाल पे बैठने वाला किसान वो एक एक चीज की गणित लगाता है कि किस पार्टी से हमारी बहबूदी है, किस पार्टी से हमारी तरक्की है और कौन पार्टी देश और प्रदेश को विकास में लेना चाहता है, आदमी उसी को वोट देता है। ठीक है फरत रईस, आप कहीं ना कहीं से तो इत्तफाक रखते होंगे आप कि जनता को अगर समझना है तो जनता के बीच में पहुंचना होगा, जनता की समस्याओं को सबके सामने लाकर रखना होगा, तभी जनता आपसे कनेक्टेड महसूस करेगी। ऐसा नहीं चलेगा आजकल कि आपने एक ट्वीट कर दिया भैया फलाना चीज में फलाना दिक्कत हो रही है, यूपी कानून व्यवस्था जो एकदम धराशायी हो रही है, नहीं चलेगा सर। जनता के बीच में तो पहुंचना होगा। नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, प्रदेश में उनके बराबर किसी के पास तजुर्बा नहीं होगा और कोई भी चाहे कितने भी नेता हो, अगर आंदोलन अगर किसी ने विपक्ष में किया तो हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने शुरुआत करी और इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अभी हमने एक महीने का टाइम दिया है भारतीय जनता पार्टी को और उसके बाद हम रोडों पे उतरेंगे। और ये भी बता दे रहे हैं खुशबू जी, उपचुनाव में हम लोग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम सियासत चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में रहकर सियासत करेंगे। जनता विश्वास नहीं है क्या? अरे विश्वास पहले जनता का दिल जीतेंगे, जनता की समस्याओं के लिए आदमी सियासत करता है, लोग समस्या क्या करता है। अब आप हमको ये नहीं बताएंगे कि हमको क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके पास सारी चीजें, सुनिए जनता को आप जवाब देंगे ना कि आपने जो एक पार्टी खड़ी की है भैया वो हमारे लिए आ रही है कि नहीं आ रही है मैदान में? बता तो दिया। हाँ ठीक है, आप नहीं आ रहे, वही तो जवाब दे रही हूँ कि आप नहीं आ रहे। ठीक है, पीछे क्यों भाग रहे हैं सर? शायद वो अभी जनता के बीच में जाएंगे 2022 में बिल्कुल तैयारी के साथ आएंगे, राइट सर? बिल्कुल। ना देखिए 2022 में बिल्कुल तैयारी के साथ आएंगे, तब तक समझेंगे कि सियासी जो है किस तरह से चीजें चल रही हैं। रिजल्ट मालूम है। अच्छा, आप हमको रिजल्ट मालूम है, इसलिए आप लोग सियासत करते हो, आप लोग आप लोग करते हो, संसद नहीं है, बहुजन समाज के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते, समाज उपचुनाव की बात है ना, इन्होंने जनता के साथ है ना, इन्होंने कोई काम किया जनता के साथ? कौन है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमरों में बैठकर कितने सियासत कर रहे हो, बस मीटिंग हो रही है, ना अपराध रुक रहा है, ना कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। अगर ये चुनाव लड़ भी जाते हो, बेलगाम है, पूरी
बताइए क्या थे डीएम और एसपी, बताइए क्या 10 लोग मार दिए गए, 10 लोग मार दिए गए, डीएम एसपी सस्पेंड नहीं करेगा, डीएम और एसपी सस्पेंड नहीं हुए, 10 लोग नरसंहार हुए वहां पे, डीएम एसपी पे तो कार्रवाई नहीं कर पाए, सिर्फ ट्रांसफर कोई कार्रवाई थोड़ी होती है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है। अब ये बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संजीव जी, बंद कमरे में सिर्फ फैसले आप लोग सदस्यता अभियान के लिए रहे, उपचुनाव के लिए ले रहे, जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही उसके लिए कुछ कर रहे नहीं कर रहे बंद कमरे में, सवाल यही है। देखिए, कानून व्यवस्था के लिए शुरू में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और जो जनपद में एसओ होते हैं, एसपी होते हैं, उनको साफ निर्देश है कि वो अब बाहर अपने क्षेत्र पूरा काम कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात आ जाने, वो बाहर क्षेत्र के नहीं रह सकते, पहले की सरकारों में ऐसा रहता था, अब वो एसओ अगर है तो उस अपने क्षेत्र में ही उनको अपना किराए पे मकान लेना पड़ेगा, लेकिन वो वहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वहां रहेंगे लेकिन तहसीलदार से भी गायब रहते हैं आपके, 9 बजे का टाइम रहता है, 11 बजे तक कोई रहता नहीं, हमने खबर चलाई है भारत समाचार पर ना जाने कितनी बार, आप लोग मेडिकल जगह ऐसा रहा होगा, उत्तर प्रदेश की यही पुलिस है जिसने अपना जिसने हमारा किस तरीके से इलाहाबाद में प्रयाग में किस तरीके से हमने कुंभ फिर आप प्रयागराज क्या सर महाकुंभ कर रहे क्रेडिट है वो भी कहना पड़ेगा। अरे सर क्रेडिट लीजिए, मैंने कहा जहाँ पर जो व्यक्तिगत दुश्मनियाँ होंगी फिर आप व्यक्तिगत दुश्मनी आधार पर कोई हो रहा है उसको भी वर्कआउट किया जा रहा है, उसको भी वर्कआउट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए वापस आओगे आपके पास मनोज साहब, मनोज पांडे साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या लगता है कि मुद्दों की कमी है क्या? देखिए कितनी सारी चीजें हैं, चाहे आप शिक्षा को ले लीजिए, आज भी वैसी की वैसी स्थिति, स्वास्थ्य को ले लीजिए, आज तक स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाता मरीजों को, कितनी सारी चीजें, आज हमने एक खबर चलाई है जहां पे प्रसव हो गया क्योंकि उसको बेड नहीं मिल पाया, कितने मुद्दे हैं लेकिन विपक्ष कहां है? देखिए मुद्दों की तो राजनीति में कभी कमी नहीं होती, और जिस देश में इतनी जनसंख्या हो वहां मुद्दों की कमी हो यह संभव नहीं है। अब रही बात संघर्ष की, तो हमें लगता है कि जो नेताजी जैसे संघर्ष करते थे, नेताजी के बाद जब कोई उतना बड़ा संघर्ष करने वाला कोई बचा नहीं जो जमीन पर उतर करके लोगों को इकट्ठा कर सके, ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी में विघटन हो गया, शिवपाल जी अलग हो गए, तो संघर्ष करने वाले जो एक बड़े नेता थे, नेताजी के साथ जो बड़ा चेहरा था वो अलग हो गया, तो चीजों का बंटवारा भी हो चुका है। वैसे शिवपाल जी को भी तो सोचना पड़ रहा होगा कि हमारे पास जितना है हम उतना लेकर के चलें तो हमें कितना मिलेगा, प्रश्न राजनीति में बड़े सोच की होती है। अखिलेश जी अब बटे हुए हैं और नेताजी की तरह जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश जी हमेशा वो कहते हैं हम इंजीनियर हैं, हम भैया वो प्रयोग करते हैं, वो फिर फेल होते हैं कभी पास होते हैं, तो फिर पता नहीं एक प्रयोग में अखिलेश जी नहीं पास हुए, वो प्रयोग था जो एंटी इनकम्बेंसी था मायावती जी का और बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वो समाजवादी पार्टी पास हुई, सत्ता अखिलेश जी को मिल गई। अगर सत्ता शिवपाल जी के हाथ में चली गई होती तो शायद समाजवादी पार्टी को आज ये दिन न देखना पड़ता, इतना मान के चलिए, इतना सच है। अगर सच को स्वीकार करने किसी में ताकत हो तो समाजवादी पार्टी को इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और शायद नेताजी सच को समझते थे इसलिए नेताजी ने बहुत प्रयास भी किया, नेताजी सफल नहीं हुए। और आज की तारीख में जमीन पर और बहुजन समाज पार्टी कभी भी जमीनी संघर्ष पे वो नहीं आई, उनका संघर्ष तो हमेशा एक वर्ग विभेद के आधार पर रहा, वर्ग विशेष के आधार पर रहा, और एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो और वोट मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी वर्ग विभेद या वर्ग आधारित राजनीति नहीं की, हमेशा संघर्ष किया। तो आज की तारीख में अब नेताजी की तरह कोई नेता नहीं बचा है, पहली बात। दूसरी बात कि देश स्तर पर मोदी जी नेताजी की तरह, नेताजी का छोटा ही रह गया, प्रदेश स्तर पर ही रह गया, मोदी जी एक बड़े नेता के रूप में उभर आए और मोदी जी के उस बड़े कद के आगे बाकी सबका कद छोटा हो गया। शायद अग्री करते हैं रोहित अग्रवाल साहब, ऐसा ही हुआ है क्या? नहीं देखिए, हम ये कहीं से नहीं मानते हैं कि आपको अगर हमारे संघर्ष नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम निरंतर जनता की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो उन्नाव कांड रहा हो, चाहे वो आगरा में एक वकील की हत्या रही हो, और चाहे वो इलाहाबाद में भी पूर्व में भी हत्याएं हुई है। ऐसा नहीं है कि आज पहला दिन है जब आपकी 6 हत्याएं हो गई है, मुझे लगता है अभी हफ्ते भर पहले भी इलाहाबाद के अंदर हत्या हुई थी, तब भी सरकार अपने कान में टेल डाल के सो रही थी। जेलों में हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, युवा बेरोजगार घूम रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और इनके विधायक बलात्कार में लिप्त हैं, उसके उन मुद्दों को उठाया नहीं जा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक
बलात्कारों में लिप्त हैं और निरंतर राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पे संघर्ष कर रहा है किसानों के हक के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं दिखता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें दिखने से कोई मतलब नहीं सर, जनता को दिखना चाहिए। फरत रईस साहब ने अपनी बात भी कंप्लीट करेंगे, रजा रिजवी साहब। देखिए ऐसा जो भी उन्होंने बताया कि मिक्सचर मिला करते हैं, अखिलेश जी ने जो है 2017 में कांग्रेस के साथ मिक्सचर मिलाया, कबाड़ा हो गया। फिर 2019 में बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलाया, कबाड़ा हो गया। वो बाई इलेक्शन छोड़ दीजिए, गोरखपुर फलाना ढमका की जीत गए तो वो मिक्सचर उनका इंजीनियरिंग काम हो गया। दूसरे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि देखिए आप कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष क्या है, कहां पर खड़ा है। प्रदेश में जो चीजें होती है वो प्रदेश के अध्यक्ष करते हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली हैं, मुनकाद अली उस क्या जो है रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए काम करने के लिए। आप देखिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हैं, तो ये प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं, अब आप देखिए वो उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं जनता से जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी बदल रही है, अध्यक्ष के तेवर बदल रही है, अध्यक्ष का सम्मान कर रहे हैं, तो ये जरूरी है। देखिए हमारी पार्टी तो 6 महीने पुरानी पार्टी है और निश्चित तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में ही रह भी रहे हैं सब। और जो हमने भी प्लानिंग करी है, जिस तरीके से अपराध घटा है, एक अपराध घटा था ईटा में बहुत खराब था, बताइए पुलिस लाइन में होकर के उसके मुंह में पिस्टल डाल के गोली मार दी गई वकील की। अब बताइए पुलिस लाइन में ये घटना हो रही है तो और कौन सेफ होगा? उसके बाद कहते हैं कि साहब मीटिंग हो रही है, निश्चित तौर पे इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। वो भी एक महिला थी बेचारी, उसको गोली मार दी गई, पुलिस लाइन में किसी ने सुना तक नहीं उसका क्या वर्कआउट हुआ, मैं पूछना चाह रहा था। कुछ नहीं, सिर्फ बातों को घुमाना। भारतीय के लिए क्या चुनौतियां हैं? देखिए हमारे लिए जो भी चुनौतियां हैं, हम जनता नई पार्टी है इसलिए अभी आपके लिए सुना। देखिए जो हमारी नई पार्टी है और हम एक बेहतर विकल्प के रूप में काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ 2022 में बिल्कुल दिखाई देगी, ये वादा करके हम आपसे जाते हैं। क्योंकि अगर किसी ने भी आवाज उठाई है जनता की, जमीनी लेवल पे अगर किसी ने काम किया है तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। संजीव मिश्रा जी, देखिए ये तमाम चीजें तो अपनी जगह हैं, आप लोग काफी तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको वर्कआउट करना ही करना होगा। जनता सब देख रही है सर, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल ठीक बात है, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उनके प्रति वहाँ का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर है। प्रयास हमारा यही है कि किसी तरीके की कोई भी वारदातें ना हो। उसके बावजूद भी जो व्यक्तिगत दुश्मनियां हैं या एकाध कोई घटनाएं हैं, मैं आपके चैनल पर भी वादा करता हूँ इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इनमें बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि बहुत इनकी जो क्या बिल्कुल ना हो, मतलब क्या ना हो, अपराध बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसी ऐसी स्थितियां अपराध होते थे क्या? अपराध बिल्कुल खत्म हो जाए, मॉडल की बात करती है मतलब मुझे नहीं लगता बिल्कुल खत्म हो जाए। प्रदेश दावा नहीं कहूंगा, मतलब किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेशरम होकर कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो जाए, अपराध खत्म करने के लिए वोट दिया है आपको जनता ने, मात्रा ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और अखाड़ा ज्वाइन करने के लिए। देखिए यह बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी रखी और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं हो पा रहा और विपक्ष मुद्दों को भुना नहीं पा रहा। जरूरत इसी बात की है कि विपक्ष भी इस चीज को इतना ही सीरियसली ले जितना बीजेपी बहुमत पाने के बाद भी ले रही है। बहरहाल अखाड़ा में मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए।